बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फाइजा औरंगज़ेब, आई एम योर इंस्ट्रक्टर। दिस इज़ द वीडियो लेक्चर इन द सीरीज ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम कंप्यूटर की आइडियोलॉजी में वो मेथड या सिस्टम है कि कंप्यूटर के इनर सिस्टम में हम डिजिट्स या नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर के इनर सिस्टम में हम नंबर्स या डिजिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स और एक को हम कहते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसमें हम नंबर्स को, इसमें ऐसा होता है, लेट सपोज ह्यूमंस इस तरह से काउंटिंग करते होते थे कि जब काउंटिंग करते थे तो इसमें लेट सपोज स्टिक्स के जरिए, पेबल्स के जरिए, स्टोन्स के जरिए, इस तरह से फिंगर्स के जरिए रिप्रेजेंट करते होते थे नंबर्स को। फॉर एग्जांपल अगर वन काउंट करना है तो यूं लिख दिया दिस इज वन। अगर टू काउंट करना है तो दो सिंबल्स बना दिए। अगर थ्री काउंट करना है तो तीन सिंबल्स बना दिए। फोर है तो फोर काउंट करिए, फाइव है तो इसी तरह फाइव ये लाइंस बना दिए। तो इसमें इस तरह से काउंटिंग होती थी। तो इस नंबर सिस्टम के हिसाब से अर्थमेटिक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो इसी वजह से पोजिशनल नंबर सिस्टम आया। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, फ्यू सिंबल्स होते हैं और फ्यू डिजिट्स होते हैं इस नंबर सिस्टम में। और ये सिंबल्स और डिजिट्स जो होते हैं ये डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि उस वैल्यू की क्या पोजीशन आ रही है। लेट सपोज इसमें हमारे पास, आपको पता है कि कंप्यूटर में हमारा जितना भी सारा काम होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में हम जो डेटा इनपुट करते हैं या कंप्यूटर से जो डेटा हम लेते हैं वो सारे का सारा बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मेमोरी में जितना भी, अब वो डेटा है किसी भी किस्म का हो सकता है, वो वीडियो फाइल हो सकती है, वो ऑडियो फाइल हो सकती है, वो ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। तो हर कंप्यूटर में उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो उस कंप्यूटर के नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो कंप्यूटर में जितना भी सारा होता है वो हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। हर नंबर सिस्टम में टोटल उसके कुछ फ्यू सिंबल्स, यहाँ पे जो मैंने आपको बात की थी, कुछ सिंबल्स या डिजिट्स होते हैं हर नंबर सिस्टम में, उसको हम कहते हैं, जितने भी उसमें सिंबल्स होते हैं उसको हम कहते हैं बेस ऑफ दैट सिस्टम उसको हम कहते हैं, या रेडिक्स उसको हम कह सकते हैं, जितने भी सिंबल्स उसमें हम यूज करते हैं। और हर सिंबल उसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो बेसिक नंबर सिस्टम है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस है 10। 10 सिंबल्स कैसे, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 9। इसमें बाकी जितने भी सैंपल्स होते हैं वो इन नंबर से मिलके बने हुए होते हैं। तो डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। इस सिस्टम में हमारे पास हर डिजिट की जो वैल्यू होती है उसमें हम तीन कंसिडरेशन लाजमी करते हैं। फॉर एग्जांपल तीन कंसिडरेशन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रही हूँ 3, 6, 2, लेट सपोज मैं ये नंबर लिख रही हूँ, तो इसमें क्या है, तीन कंसिडरेशंस हैं। एक तो हम देखते हैं डिजिट इटसेल्फ कि कौन सा डिजिट हम यूज कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि उस डिजिट की पोजीशन कौन सी है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम के बेस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस भी नंबर सिस्टम में इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम पैरेंथेसिस में इस तरह लिख देंगे और सबस्क्रिप्ट में नीचे से हम छोटा सा उसका लिख देंगे, जो भी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेसिमल में किया है तो मैं 10 लिख देती हूँ। इसी तरह यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं बाइनरी में करना चाहूँ तो बाइनरी का बेस 2 है तो मैंने इसको यू लिख देती हूँ, सबस्क्रिप्ट में 2 मैंने लिख दिया है। इसी तरह अगर डेसिमल में करना चाहती हूँ तो मैंने बेस लिख दिया है। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है
वो फोर नंबर सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, एक बाइनरी को, एक ऑक्टल को, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारे पास इसका बेस जो है वो 2 है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जितने टोटल डिजिट्स होते हैं उतने का इसमें बेस हम यूज करते हैं। तो इसमें जो टोटल डिजिट है दैट इज 2, तो बेस इसीलिए इसका क्या है, द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2, और इसकी जो सेट जो इसका बन रहा है दैट इज सॉरी सेट जो बन रहा है दैट इज 0 एंड 1, यानी कि इसमें जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं ये वो तो 0 और 1 से मिलके बने हुए होते हैं। एवरी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद 0 और 1 इन दिस नंबर सिस्टम। बेस इसका 2 है बिकॉज इट हैज ओनली 2 डिजिट्स, और बाइनरी इज द नंबर सिस्टम फॉर विच द सिस्टम और मशीन एक्सेप्ट, क्योंकि इसका बेस 2 है। इसके बाद आता है जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 टोटल हमारे पास जो इसके डिजिट्स या सिंबल्स हैं वो 8 होते हैं, और इसका 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 तक होते हैं। इसका जो सेट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इसके सेट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होते हैं। एवरी नंबर और वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद दिस, इस रेंज में आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम में। इसका बेस 8 है क्योंकि सिंबल्स टोटल 8 यूज हो रहे हैं। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, इसमें हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स यूज होते हैं, इसलिए इसका बेस 10 है और 0 से लेके 9 तक का सेट होता है इसका। ये देखिए सेट के डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। डेसी का मतलब है 10, इसलिए इसमें 10 नंबर 10 डेसी का मतलब है 10, इसलिए इसमें 10 डिजिट्स यूज होते हैं। इसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब है 16, तो इसके जो टोटल हमारे पास नंबर्स हैं सेट के वो 16 होते हैं। इट हैज 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से 9 तक और फिर ए से लेके एफ तक। इसमें हमारे पास ये सारे के सारे सिंबल्स यूज होते हैं, 9 तक होते हैं, एंड देन ए से लेके एफ तक। ए हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह बी जो है वो 11 को, सी जो है वो 12 को, डी जो है वो 13 को, एंड ई जो है 14, एंड एफ इज इक्वल टू 15। ये हमने ए से लेके एफ तक इसलिए किए हैं, डायरेक्ट 1, 0 हमने 10 इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये तो फिर दो सिंबल्स बन रहे हैं, 1, 0 और 1 इटसेल्फ, 1, 0 अलग है एंड ए अलग है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट, ये हमारे पास इसका टोटल समरी आ गया है। 4 नंबर सिस्टम्स है, इसका बेस दिया हुआ है, इस तरह यूज डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स इसमें यूज होते हैं और इसको किस तरह से आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। अगर बेस 2 है तो आपने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना है, ऑक्टल है तो सबस्क्रिप्ट में आपने 8 लिख देना है, डेसिमल है तो यानी कि यहाँ पे आपने बेस लिख देना है, ठीक है, जो भी नंबर आप करते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही थी, इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू जिस भी नंबर सिस्टम में आप यूज करते हो तो उसमें हर एक डिजिट की वैल्यू जो है उसके 3 कंसिडरेशंस होते हैं। एक तो ये है कि डिजिट कौन सा आप यूज कर रहे हो, एक उसकी पोजीशन होती है और एक उसकी बेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है 362 डेसिमल नंबर सिस्टम में, मैं लिखती हूँ 362, ये मैंने लिखती है 362, तो इसमें से जो 2 है ये यूनिट नंबर पे है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0, यानी कि 10 जो नंबर सिस्टम में यूज कर रहे हैं उसका बेस 10 है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डिजिट की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू जो है वो उसकी पोजीशन या प्लेस की वजह से होती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट सीरीज ऑफ डिजिट्स, ठीक है। जो भी नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे ऑक्टल में है 362 और इसका बेस मैं लिख रही हूँ 8 क्योंकि ऑक्टेल का है, तो इसका मेरे पास जो फर्स्ट पोजीशन पे 2 है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0, इसका जो सेकंड है दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1,
इसका जो थर्ड है दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 2, और इसी तरह जो यहाँ पे 6 है दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, यानी कि इस नंबर सिस्टम में इसमें 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, इसमें हमने 6 जो है इसकी पोजीशन क्योंकि सेकंड नंबर पे है तो इसका मतलब है कि आपने 6 जो है वो यहाँ पे 6 टाइम्स आप 10 कर रहे हो, 6 टाइम्स 10, ठीक है, इसका मतलब है 6 टाइम्स 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 है तो 3 हंड्रेड्स पोजीशन पे है तो इसका मतलब है 3 इंटू 10 पावर 2, यानी कि 3 का जो पोजीशन है वो हंड्रेड्स है, यानी कि 362, 6 टेंस, 6 जो है वो 1 टाइम्स, इसका मतलब है 60, और इसका मतलब है 300, इसका जो सम है वो 300 प्लस 60 प्लस 2, टोटल नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो इसमें, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये इसकी थोड़ी सी समरी आ गई है किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, हर एक नंबर सिस्टम जो है वो दूसरे नंबर सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बिकॉज सारे के सारे इक्विवेलेंट है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को आप हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी तरह बाइनरी को आप ऑक्टल में कर सकते हो, बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हो एंड बाइनरी को हेक्सा में कर सकते हो, इसी तरह ऑक्टल को भी इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हो एंड हेक्सा को भी इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हो, तो टोटल जो कन्वर्जन है दैट इज 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेसिमल का ही देखते हैं कि डेसिमल से हम कैसे कन्वर्जन करते हैं और डेसिमल में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल। ओके, अब हम इसकी कन्वर्जन की बात करते हैं कि हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर बेसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास है डिवाइड द नंबर डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ द टारगेट डेसिमल नंबर, यानी कि जिस भी डेसिमल को अगर हम किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमने उस नंबर सिस्टम का बेस लेना है और उससे हमने उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू स्टेप लास्ट एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम करके देखते हैं, आपको चल जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसका बेस हमने क्या किया 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हमने कन्वर्ट करना है कौन से नंबर सिस्टम में, बेस 2 में, यानी कि बाइनरी में इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मैं साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ सो देट यू कैन सी द होल एग्जाम्पल। ओके, तो ये हमारे पास है, इसको हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 2 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास एक रिमाइंडर जो आता है दैट इज 1, और जो क्वेश्चन आता है वो 6172 आता है। इसको फिर से हम कन्वर्ट कर देते हैं 6172 को फिर से हम 2 पे के, तो इससे हमारे पास जो रिमाइंडर आता है दैट इज 0, रिमाइंडर जो आता है दैट इज 0, और क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 3086। फिर इसको दोबारा से हम कन्वर्ट कर देते 2 पे डिवाइड करते हैं, हम इसको तब तक 2 पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास 0 या 1 ना आ जाए। जब यहाँ पे हमारे पास 3 आया है तो 3 को हमने क्या किया है 2 पे डिवाइड किया है, तो इससे हमारे पास जो क्वेश्चन आया है दैट इज 1 और जो रिमाइंडर आया है दैट इज ऑल्सो 1। तो इसको हम हमारा जो ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 जो डेसिमल में ये नंबर है इसको जब हम बाइनरी में करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और फिर यहाँ से और फिर इसको हम रीड करते रहेंगे अप टू अपवर्ड, हम इसको रीड करते रहेंगे, यानी कि इस नंबर सिस्टम का 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल में अगर ये है तो इसका हमारे पास इक्विवेलेंट बाइनरी ये आएगी 1, 1, 1, 3 वंस, फिर ये जीरोस, फिर 1, 1, 1, फिर 0 और 1। इसको आप रीड करें तो ये बाइनरी है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से कन्वर्ट करना है। इसके बाद लेट सपोज बेस 8 में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो हमारे पास यही नंबर है, इसको हम बेस 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 8 से जब हम इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशेंट ये आ रहा है और रिमाइंडर ये आ रहा है। फिर इसको दोबारा से इसमें हमारे पास इसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास 0, 1, 2 अप टू 7 तक कोई डिजिट ना आ जाए। इसको हमने तब तक डिवाइड करना है। तो इसको हमने जब फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशेंट ये आया, रिमाइंडर ये आया। इसको फिर हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन ये आया, रिमाइंडर ये आया। लास्ट में मेरे पास क्या आया है, 3 आया है, नंबर इटसेल्फ 3 रह गया है। उसको हम बार बार डिवाइड करते हैं, लास्ट में मेरे पास 3 आया है तो इसको फिर हम छोड़ देते हैं। इसका जो आएगा हमारे पास वो 30071 आएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हम गए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक हम आ गए हैं। अगर बेस 16 में इसको में हमने कन्वर्ट करना है तो सेम वही प्रोसीजर है, 1, 2, 3, 4, 5 को हम 16 से डिवाइड करते रहेंगे। और इसको हम कब तक करेंगे, 0 से लेके 9 तक, जब इसमें वैल्यूज आएंगी। अगर रिमाइंडर हमारे पास 10 आ रहा है, लेट्स सपोज इसमें रिमाइंडर अगर 10 आ रहा है तो हम लिख देंगे ए, रिमाइंडर अगर हमारे पास आ रहा है सी आ रहा है तो हम 12 लिख देंगे, जो भी नंबर जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 3039। अ मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, कन्वर्ट 725 टू बेस 16, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है। हेक्साडेसिमल नंबर इज 2d5, यहीं पे जो मैंने बात की है डी, क्योंकि रिमाइंडर 13 आया है तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, डी लिख दिया है। ठीक है, सेम बात है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अदर नंबर सिस्टम्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या था, ये फ्रॉम डेसिमल था। जब आप फ्रॉम डेसिमल करते हो किसी और नंबर सिस्टम में तो फ्रॉम से में आप क्या करते हो, आप एलसीएम लेते हो या डिवाइड करते हो। ठीक है, एलसीएम और डिवाइड करते हो जब तक कि आपका नंबर उस रेंज में नहीं आ जाता, उस नंबर सिस्टम के रेंज में नहीं आ जाता, आपने तब तक उसको डिवाइड करना है। अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, टू डेसिमल आप करना चाहते हो, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो भी नंबर सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस नंबर सिस्टम के बेस के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, डिटरमिन द बेस वैल्यू ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम एंड ऑल्सो डिटरमिन द पोजिशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब है फर्स्ट डिजिट्स पोजिशन, जो कि यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई है, सेकेंड्स, डिजिट्स, पोजीशन एंड सो ऑन। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आपने जाना है। और करना क्या है, फिर मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स करिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजीशन वैल्यू एंड बेस ऑफ द सोर्स नंबर सिस्टम बेस। ठीक है, इसके बाद एड या सम आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर सिस्टम है, ये तीन स्टेप्स आपको अभी समझ आ जाएंगे इस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर सिस्टम है, इसको हम लिख देते हैं, इसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 1101101, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज इसको हमने करना कैसे है, इसको हम पहले उस नंबर, इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 2 है, तो इसको हम पोजिशनिंग देते हैं 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5 and this is 2 power 6। ओके, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हमारे पास इसकी हम जो करिस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो निकाल देते हैं। तो 2 power 6 किस चीज के बराबर आ रहा है, 2 power 6 is equal to 2 power 6 हमारे पास आ रहा है 64 के इक्वल। 2 पावर 6 का मतलब है 2 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4, 5 एंड 6, तो 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32, 32 2 is 64, तो इसकी वैल्यू आ रही है 64, इसका आपने लिख देना है 64। इसी तरह इसका आपने लिख देना है 2 पावर 5 क्या आ रहा है, 32। इसी तरह आपने इसका लिख देना है 16, इसका लिख देना है 8, इसका लिख देना है आपने 2 2 is 4, इसका आपने लिख देना है 2 और इसका आपने लिख देना है 1, 2 पावर 0 इक्वल टू 1। अब इसको आपने क्या करना है,
इसकी जो वैल्यूज आ जाती है, आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स के साथ। 64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 64 आ जाएगा, ठीक है। 32 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 32। और आखिर में आपने क्या करना है, एड आर सम द रिजल्टेड वैल्यू इन स्टेप बी। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन्स द बेस वैल्यू ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसका सोर्स नंबर, यानी कि जिस नंबर सिस्टम से आपने कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू, यानी कि बाइनरी से हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस 2 है। एंड ऑल्सो द डिटरमिन द पोजिशन ऑफ डिजिट्स, पोजिशनिंग ये है, हमने लिख दिए है 0, 1, 2, 3 up to 6। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स करिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजिशन। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 2 पावर 6 64 आ रहे हैं, 5 32 आ रहे हैं, 2 पावर 4 16 है, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर एड आर सम ऑफ द रिजल्टेड वैल्यू इन स्टेप बी। आपने क्या करना है, इसको फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो हर एक के साथ, तो इसके बाद आपने सम करना है। 32 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसको प्रीवियस के साथ ऐड करना है। इसी तरह 16 को आपने क्या किया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 0 आ जाएगा। 8 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आ जाएगा। 4 को आपने फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। 2 को आपने क्या करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा। सॉरी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपने 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को ऐड करना है। इसी तरह 1 को फिर आपने क्या करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 कर दे। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, एंड दैट विल बी द करिस्पोंडेंट बेस वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वैल्यू, दैट विल बी द करिस्पोंडिंग डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर। इस तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया। ये देखें यहाँ पे सेम वो काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो वैल्यूज आ जाती हैं आपने उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है, लास्ट में आपने सारे को सम कर देना है, और आखिर में जो वैल्यू आ जाती है वो डेसिमल वैल्यू होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑक्टल, हमारे पास एक नंबर है 53, और इसका जो सोर्स जो हमारा है वो ऑक्टल है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसी तरह सेम काम है, आपने क्या करना है, इसको वैल्यूज दे देने हैं। ये हमारे पास 8 पावर 0 है, ये 8 पावर 1 है, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करना है। 8 को आपने क्या करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई विद 5, प्लस करना है 8 पावर 0 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको आपने 8 5 इज 40 प्लस 3 43, इसकी वैल्यू आ जाएगी। Let's see, this is the required calculation that we have did here. तो इसी तरह अगर 16 करना है तो आपने हर एक को 16 के साथ मल्टीप्लाई, अगर बेस 8 है, another example, तो सेम काम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर बेस 16 से आपने डेसिमल में करना है तो हर एक को आपने क्या करना है, 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 16, ये 6 है, तो 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 स्क्वायर से जो भी आता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, फिर प्लस करना है 16 मल्टीप्लाई बाय f का मतलब है 15 से, फिर प्लस करना है 16 पावर 0 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको ऐड करना है 6 के साथ। दिस इज द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, यहाँ पे ये चीज बताई हुई है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। 16 पावर 2 से हमारे पास 256 आ रहा है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 16, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। इसी तरह ये हमारे पास एक नंबर है, इसको बेस 10 से, तो सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। अभी हमने सिर्फ यही देखा है कि डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर सिस्टम्स में भी इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।